ट्रेड यूनियनों का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी तरह का आश्वासन उन्हें नहीं दिया गया। जो श्रम कानून है उसके तहत कई बार ये बातें भी उठाई गई, कई बार इन मुद्दों को रखा गया सरकार के सामने, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ लापरवाह ही बनी रही उन मुद्दों को लेकर, किसी तरह का आश्वासन भी नहीं दिया गया। और इसी को लेकर ये नाराजगी है, ये आक्रोश है, और आज इस हड़ताल का मकसद भी यही है ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अंजनी के पास, बात कर लेते हैं। अंजनी, ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है, कमोबेश अगर हम सिर्फ SBI जो सबसे बड़ी यूनियन की बात हम कहते हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर, तो वो इस हड़ताल से बाहर है, लेकिन ज्यादातर अधिकांश यूनियन जो है इस हड़ताल के समर्थन में है और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि श्रमिकों की जो आवाज है वो दबाई जा रही है, उनके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो इस हड़ताल से क्या सरकार पर फर्क पड़ने वाला है? देखिए, आज की जो हड़ताल है पूरे देश पे एक अलग इम्पैक्ट होगा और देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी होने वाला है। तो ये हड़ताल की जो घोषणा है आरती, नवंबर महीने के अंतिम हफ्ते में की गई थी, तो आप सोचिए अब एक महीने का वक्त बीत गया और जनवरी का एक नया साल 2020 आ गया, लेकिन सरकार जो है किसी भी तरह से कोई पहल नहीं की। देखिए, कोई भी जब हड़ताल होती है, बैंक का हो या ट्रेड यूनियन का हो, तो एक लंबा गैप मिलता है कि सरकार एक बीच में आए और सरकार बातचीत करे। तो इस दरमियान जो है किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई और यही वजह है कि आज का जो दिन है वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सरकारों को काफी नुकसान होने वाला है। बैंकों का जो ट्रांजेक्शन होगा वो बंद रहेगा, तो एक बड़ी समस्या है। लगातार जो है आंदोलन होते रहे हैं और जो मांगे रही हैं, जो आज से 2 साल पहले जो मांग थी आज भी वही मांग है, और यही वजह है कि बैंक जो है पिछले साल जनवरी 2019 8 जनवरी को भी बैंकों का जो संगठन है वो हड़ताल किया था। तो तस्वीर नहीं बदल रही है, ये बैंक कर्मियों को भी समझ में नहीं आ रहा। लगातार हो रहा है, FDI का विरोध हुआ है, प्राइवेटाइजेशन का विरोध हो रहा है, उसको लेकर जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है वो आज उन्होंने हड़ताल कर रखी है, लेकिन अगर इस हड़ताल के मोटो को लेकर अगर हम सरकार का पक्ष देखें तो साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि अगर हड़ताल में शामिल हुए केंद्रीय कर्मचारी तो अंजाम भी भुगतना होगा। तो काफी तल्ख रवैया नजर आ रहा है सरकार का भी इस हड़ताल को लेकर। देखिए, जब भी हड़ताल होती है तो इस तरह के जो बयान है सरकार के तरफ से आता है और हड़तालियों पे जो है किसी भी तरह का असर नहीं होता है। तो देखिए, जो आपने बात की कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है दक्षिण भारत के जो ब्रांचेस हैं उसको यदि हम छोड़ दें तो बाकी देश के तमाम हिस्सों के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो हड़ताल में शामिल नहीं है। देखिए, बैंकों का हड़ताल में जाने की 2-3 वजहें हैं, वो वजह बता दें। सबसे पहले देखिए, बैंकों का जो विलय हो रहा है लगातार, इसके कारण पूरे देश में जो है लगभग 6,900 जो बैंक के जो ब्रांचेस थे वो बंद हो गए और लगभग 4,000 लोगों को फोर्सली जो है, जिस तरह से बैंक एसोसिएशन के जो महामंत्री है ML सिंह ने बताया कि लगभग 4,000 लोगों को फोर्सली जो है VRS लेने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो लच्चर व्यवस्था है, सरकार की जो हिटलर शाही व्यवस्था है, उसके वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं। देखिए, NPA जो है, NPA की वजह से बैंक जो है वो घाटे में जा रहे हैं। तो बोलिए, देखिए बैंकों में और क्या क्या समस्याएं हैं ये हम थोड़ी आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, अब ये देखिए बैंक की तरफ से जो एक पोस्टर जारी किया गया है और उसको हम दिखाते हैं दर्शकों को। मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन के मांग पत्र के समर्थन में जन विरोधी बैंकिंग सुधारों एवं बैंकों के अनुचित विलय के विरोध में कारपोरेट ऋण चुककर्ताओं के ऋणों की वसूली हेतु कठोर नियम बनाने के लिए, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो NPA है, देखिए जो बड़े बड़े संस्थान है, बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो लोन ले लेते हैं लेकिन चुकता नहीं करते, तो इसके लिए ये बैंक एसोसिएशन जो है वो ये मांग की है कि ये जो क्रिमिनल ऑफेंस हो ये नियम बनाया जाए। और तीसरी जो अंतिम जो चीजें हैं, देखिए वेतन मान को लेकर के भी लगातार आंदोलन होते रहे हैं
और बैंकों में जिस तरह से भर्ती होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो ये बैंकों की समस्या है और इसी तरह की जो समस्याएं हैं वो तमाम संस्थानों में है और यही वजह है भारती की आज देश में 25 करोड़ लोग जो है वो हड़ताल में रहेंगे। और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में 60 लाख लोग आज हड़ताल में शामिल होंगे, उसमें कई ट्रेड यूनियन है, बैंक है, BSNL है, HEC है, अगर आप तमाम लोग हड़ताल में रहे। आज हड़ताल बुलाई गई है, इसका प्रस्ताव पिछले साल सितंबर में ही रखा गया और उसके बाद 2 जनवरी को यानी इस साल 2 जनवरी को बैठक बुलाई गई थी श्रम विभाग की ओर से कि इस पर फैसला लिया जाना था। जितनी भी मांगे थी ट्रेड यूनियंस की उन पर सुनवाई होनी थी, कुछ बातचीत होनी थी, लेकिन इस बैठक में क्या निकला, क्या बातें हुई, क्या श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के हितों के लिए कुछ बातें सरकार लेकर आ पाई, कानून कुछ बना पाई या फिर जो मांगे रखी गई है इस हड़ताल को लेकर उन मांगों पर विचार कर पाई, जब नतीजा कुछ नहीं निकला तो आखिरकार आज ये हड़ताल बुलाई गई है और अब इस हड़ताल के जरिए ये दिखाने की कोशिश जरूर होगी सरकार को कि सरकार को सुननी पड़ेगी बात, क्योंकि अब जो है श्रमिकों के जो हितों की बात लगातार की जाती रही है उसकी अवमानना अब और नहीं हो सकती, उन्हें भी अपने हितों के बारे में सोचना है और इसके लिए सरकार को भी सोचना होगा। हाँ देखिए, जब भी हड़ताल होती है तो ये एक बीच का रास्ता भी निकलता है आरती, ये आपस में नेगोशिएशन भी होते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं वो सफल नहीं हो पाई और यही वजह है कि लोग हड़ताल में गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी दर्शकों को बता दें कि देश के लगभग जो 60 स्टूडेंट यूनियन है वो भी इस हड़ताल में शामिल है और यही वजह है कि कल जो है फिल्म बॉलीवुड के कई सितारे जो है स्टूडेंट के पक्ष में आए और जिस तरह से देश में लगातार आंदोलन हो रहे हैं तो तमाम लोग जो है जो पीड़ित लोग हैं लोग एक साथ हो गए हैं और सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, तो ये एक बड़ा वजह है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन करने या हड़ताल करने की जरूर छूट होती है क्योंकि अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना है, सरकार को समझना चाहिए और एक हम लगातार बात करते हैं आरती, एक बीच का रास्ता जरूर होना चाहिए। जिस तरह से नियम बदल रहे हैं और वैसे में अब जो है आप देख सकते हैं कि 2004 में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो सरकारी ऑफिसों के लिए जो पेंशन योजना थी वो बंद कर दी गई थी और उसको लेकर आज भी आवाज उठती है। तो पेंशन जो है मजदूरों जो कर्मचारी होते हैं उसका एक जीवन जीने का एक आधार होता है, तो सरकार को ऐसी पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए जिस पे जो मजदूर संगठन है या जो लोग बैंकों में काम कर रहे हैं उन्हें एक बेहतर लाइफ आगे जिया जा सके। लेकिन जिस तरह से लगातार बैंकों का विलय हो रहा है और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया हो या बैंक एम्प्लॉइज ऑफ फेडरेशन ऑफ झारखंड हो, तमाम लोग बेहद नाराज हैं और यही वजह है कि आज हड़ताल में एक साथ करोड़ों लोग हैं, कई जो संस्थान है जो कई संस्थान के लोग हैं, 10 ट्रेड यूनियन से एक साथ हैं, तो एक बहुत गंभीर मसला है और सरकार को सोचना चाहिए। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने आप को हड़ताल से अलग रखती है क्योंकि तमाम जो सरकारी योजनाएं चलती है स्टेट बैंक के मार्फत चलती है और स्टेट बैंक जो है के जो का जो एसोसिएशन है जिस तरह से अभी जो हड़ताल में जो बैंक एसोसिएशन के लोग गए हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एसोसिएशन है उस पर कई आरोप लगाते हैं कि सरकार के साथ उनकी मिलीभगत हो जाती है और वार्ता विफल हो जाती है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है लेकिन बेहतर व्यवस्था को चलाने के लिए जो अगर हम बात झारखंड की कर ले, भारत बंद है हालांकि, लेकिन झारखंड की बात कर ले तो काफी परेशानी होने वाली है क्योंकि परिवहन सेवाएं भी बाधित रहेंगी, साथ ही कई और जरूरी सेवाएं भी बाधित हो जाएंगी, उसकी वजह से यहाँ के लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आज दिन भर। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप बैंक बंद हैं, पोस्ट ऑफिस के लोग हड़ताल में रहेंगे, BSNL के लोग हड़ताल पे रहेंगे, तो इसका असर जाहिर सा पड़ता है। देखिए अभी जनवरी का ये पहला हफ्ता है,
अभी 8 तारीख है और ऐसे में जो लोग पेंशन लेने जाते हैं बैंकों में, जिन्हें बैंकों से पेंशन मिलता है तो उनके लिए परेशानी होती है, जिन्हें वृद्धा पेंशन मिलता है उनके लिए परेशानी है, क्योंकि ये लोग काफी दूर से आते हैं और ब्रांचों में पहुंचने के बाद कई लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ेंगी। बैंक से जो किसी भी तरह का जो लेन देन है वो पूरी तरह बंद रहेगा, तो अर्थव्यवस्था एक तरह से हम कह सकते हैं वो लॉक हो जाएगा, पैसे का मूवमेंट नहीं होगा और इसके वजह से इसका इम्पैक्ट बाजारों में भी पड़ता है और इसका इम्पैक्ट जो है करोड़ों में अरबों में नुकसान पूरे देश में होगा बैंकों को, क्योंकि बैंक से लेन देन नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। यदि कोई हॉस्पिटल में है पैसा भुगतान करना हो, आजकल ऑनलाइन व्यवस्था जरूर है लेकिन जब हड़ताल होती है तो तमाम चीजें लॉक हो जाती हैं। और जितने जो एटीएम है, यदि अधिकांश एटीएम में पैसे कल नहीं भरे गए हैं तो वो भी एक मुश्किल की घड़ी हो सकती है। तो एक आर्थिक जो परेशानी है लोगों को जूझना होगा, लेकिन सरकार को जो है केंद्र सरकार को एक बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बीच का रास्ता निकालने की बात कही जाती है अंजनी। जिस तरह से आप देखिए कि जब सितंबर में ये प्रस्ताव रखा गया था ट्रेड यूनियंस के द्वारा कि उन्हें हड़ताल करनी है, अगर इस दरमियान सरकार उनकी बात नहीं सुनती है, अगर अब मानना होती है उनके हितों की, उनके मांगों की, तो हड़ताल होगा। 8 जनवरी का वक्त मुकर्रर किया गया था और आज हड़ताल बुलाई गई है, लेकिन इन सब के बीच क्यों सरकार इसमें नाकाम रही? क्या जितनी मांगे हैं ट्रेड यूनियंस की, या फिर जो एफडीआई की बात कर ले आप या निजीकरण की बात कर ले आप, सरकार ये भरोसा दिलाती रही है कि कई सेक्टर्स हैं जिनमें अफवाहें हैं कि निजीकरण होगा लेकिन उसमें निजीकरण नहीं होगा, तो सरकार को ये नीतियां स्पष्ट करनी होंगी, तब शायद इस तरह के हड़ताल जो है गाहे बगाहे होते रहते हैं और इन पर ये नहीं हो पाएंगे। और जिस तरह से आज का अगर एक दिन का हड़ताल करें तो अरबों का नुकसान होने वाला है सरकार को सीधे तौर पर, जिस तरह से 60 से ज्यादा छात्र संगठनों ने भी, यूनियन ने भी सपोर्ट किया है इस स्ट्राइक को। देखिए, ये जो सरकार है ये निजीकरण के लिए करने में बड़ा माहिर सरकार है, और देखिए जिस तरह से रेलवे को धीरे धीरे निजीकरण किया जा रहा है, तमाम लोग जान रहे हैं कि सरकार जो है तमाम चीजों का निजीकरण करना चाहती है, और यही वजह है आरती कि BSNL में जो है भारत दूरसंचार निगम जो है उसमें 80,000 लोगों को फोर्सली BRS लेने के लिए कहा गया है। ये चौंकाने वाली बात है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो हड़ताल में जो लोग आज हैं वो संगठन के लोगों का कहना है। तो सरकार आखिर चाहती क्या है? क्या हम अमेरिका हो गए हैं? क्या हम जापान हो गए हैं? क्या हम चीन हो गए हैं? हमारी अर्थव्यवस्था अभी इन देशों से काफी पीछे है। सरकार, मोदी सरकार 5 ट्रिलियन की बात करती है, अभी हम उससे कोसों दूर हैं। तो पहले अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करना होगा, तभी चीजों को एडॉप्ट करना चाहिए। बेहतर करने के लिए जरूरी है अंजनी कि हम इस तरह की हड़ताल पर भी रोक लगाएं, और ये सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है कि अगर आप मांगे अगर आती हैं सामने तो बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए। इन मुद्दों पर भी बात करेंगे अंजनी, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हमारा ये खास सेगमेंट जारी रहेगा जिसका नाम है आज हड़ताल है। आज हड़ताल है, जी हाँ, ट्रेड यूनियंस की हड़ताल है और इसी पर हम खबर खास में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, चलते हैं वापस उनके पास। अंजनी, बात हो रही थी कि बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालती सरकार, इस तरह की हड़ताल से सरकार को भी करोड़ों अरबों का नुकसान होता है, इन नुकसान से बचने के लिए भी सरकार को उपाय तलाशने जरूरी है। साथ ही साथ जो मांगे हैं ट्रेड यूनियंस की, उन मांगों को और सरकार की जो बातें हैं, जिन बातों से सहमति बनाई जा सकती है, सामंजस्य बिठाया जा सकता है, उन बातों
बातों पर बैठक होनी चाहिए और बैठक के कहते हैं बात से बात बनती है, अगर बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत का समय तय किया गया था, 2 जनवरी का वक्त दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी इन तमाम मांगों पर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बना पाई सरकार और न ही सरकार की तरफ से कोई आश्वासन ही मिल पाया इन ट्रेड यूनियंस को, जिसका नतीजा है ये आज की हड़ताल। देखिए, जाहिर सी बात है, जब हड़ताल हो रही है और सरकार की तरफ से वार्ता विफल हो जा रही है, वार्ता नहीं हो रही है, तो सीधे तौर पे ये हम कह सकते हैं कि सरकार की जो मंशा है वो पॉजिटिव वे में नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि जो देश का जो लाल फीताशाही है, जो अफसरशाही है, कहीं ना कहीं बीच में आड़े आ रहा है। देखिए, बैंकों में ताले लटके हैं और ये जो ताला लटका है, इसका जो बोझ है, एक ताले का बोझ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में आज हड़ताल है, फिर आने वाले समय में भी हड़ताल होगा, तो सरकार को समझना होगा। देखिए, सरकार को हिटलर शाही पद्धति छोड़नी होगी, क्योंकि ये लोग अपने लोग हैं और यदि कुछ मांगी जा रही हैं तो कम बेसी करके मामले को जरूर सुलझाना चाहिए। लेकिन सरकार की जो नीयत रही है, तमाम चीज़ों पे आप गौर करेंगी आरती, तो एनपीए एक बड़ा समस्या है, उस पर समाधान नहीं होता है। एक किसान 10,000 रुपया लोन लेता है, बैंक वाले उसके घर में पहुंच जाते हैं और जिस तरह से बदसलूकी होती है, कई घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन यही बैंक जो है, यही बैंक लोन देता है किसान को भी, ये लोन बैंक ही देती है किसान को, यही बैंक लोन देती है जो औद्योगिक घराने के लोग हैं, लेकिन औद्योगिक घराने पे नकेल नहीं कसी जाती है और किसानों का गट्टा पकड़ा जाता है। कई तरह के आजकल बैंक जो पैसे वसूलने के अपने अलग अलग नियम बनाए हैं, तो ये एक बड़ी बात है। बैंकों को भी समझना होगा, एनपीए का बोझ बढ़ रहा है तो बैंक भी उतना ही जिम्मेदार है जितना सरकार के कहने पे लोन दिया जा रहा है। तो ये सरकार जो है यही मामले में पीछे हट जाती है और कई लोग देश से बाहर भाग जाते हैं, तो एनपीए का जो बोझ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये 2000 जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, ये एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि एक विलय करने की जो पॉलिसी है वो बड़ा खतरनाक है। धीरे धीरे जो बैंक से एम्प्लॉय कम हो रहे हैं, बैंकों में जो भर्ती करनी है वो नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति से कई तरह के काम लिए जा रहे हैं, और मानसिक जो प्रेशर है, मानसिक जो तनाव है वो बैंक कर्मियों पे बढ़ रहा है, और जिस तरह से नोटबंदी हुई उसमें कई लगभग 102 या 103 के आसपास बैंक कर्मियों की मौत हुई, तो तमाम चीजों को लेकर जो है बैंक संगठन और ट्रेड यूनियन जो है मुखर हो गया है। इसमें छात्र संगठन शामिल हो गया, अंजनी अगर आप देखें तो सिर्फ बैंक कर्मी या ट्रेड यूनियंस जो है वो, आप उन्हीं की बात ना करें, बैंक कर्मी की नाराजगी तो साफ देखने को मिल रही है, हालांकि एसबीआई ने इस हड़ताल से दूर रहने का फैसला किया, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स की बात कर ले तो 60 से ज्यादा स्टूडेंट यूनियन भी इस स्ट्राइक के सपोर्ट में है। इससे समझा जा सकता है कि नाराजगी है और इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश सरकार को जल्द से जल्द करनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से अभी दिल्ली में जेएनयू हो या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो या देश के कई बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ जिस तरह से सरकार जो नागरिकता कानून बिल लाई है उसके विरोध में जो आंदोलन हो रहे हैं, उसमें आपस में मारपीट हो रही है, कभी ये संगठन उससे मारपीट कर रहा है, तो एक जो शैक्षणिक संस्थानों का माहौल बिगड़ गया है। और ऐसे में अब जो है लोग देखिए, कई जो जेएनयू के जो फीस है वो बढ़ा दिए गए हैं, मतलब जो कटौती की दी जाती थी वो कम कर दी गई है, तो ये तमाम चीजों को लेकर जो छात्र संगठन है वो एकजुट हो रहे हैं। देखिए, जो जेएनयू की बात करें, जामिया की बात करें या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, ये देश के वैसे यूनिवर्सिटी हैं जहां सरकार पैसा देती है और कम पैसे में जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो तेज विद्यार्थी हैं, पूरे देश के विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं, और तो वैसे में सरकार जो है अचानक कुछ नया तब्दीली लाती है तो लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। भले जेएनयू, बीएचयू या जामिया हो, कई उच्च घराने के लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर यदि प्रतिशत देखा जाए तो उसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो होनहार विद्यार्थी हैं, क्योंकि इनकी परीक्षाएं जो इंट्रेंस एग्जाम पूरे देश भर में होती है, और वो इंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद जो है
विद्यार्थी वहाँ एडमिशन लेता है और एक अलग एम्बिशन होता है, लेकिन जिस तरह से संस्थानों का माहौल बिगड़ रहा है और सरकार बहुत कुछ कर नहीं पा रही है, तो सरकार को आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे यदि बातचीत, जिस तरह से आपने कहा कि बातचीत करने से जरूर समस्याओं का समाधान होता है, भले 10 मांगे हैं तो 5 मांगे पूरी हो सकती है, तो बात करनी होगी। तो वैसे में आप देख सकते हैं तमाम चीजें सबके सामने हैं और आज का हड़ताल जो है एक अलग मैसेज देगा और इसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में फिर से हड़ताल होगा, तो एक चिंता का विषय है। सरकार को एक पॉजिटिव वे में सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अपने लोग हैं, हड़ताल में हैं, और वैसे में जिस तरह से पॉलिसी जो ट्रेड यूनियनों का कहना है कि बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर अंजनी ये है कि अगर हड़ताल हुई है, कुछ मांगे सरकार के सामने रखी गई हैं, तो उन मांगों पर विचार होना चाहिए, बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। बहरहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी। तो बताएं आपको कि ट्रेड यूनियंस की आज हड़ताल है और भारत बंद है, इसके अलावा केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने हड़ताल बुलाई है और ये साफ तौर पर ये दावा भी किया गया है कि इस हड़ताल में 25 करोड़ लोग शामिल होंगे। इस हड़ताल में अंदाजा लगाइए कि कितना नुकसान हो सकता है। आज परिवहन बंद, स्वास्थ्य सेवाएं बंद, इसके साथ ही कई चीजें जो अहम जरूरी जो सेवाएं हैं वो भी बंद रहेंगी। नुकसान के अलावा ये भी है कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर है जो मांगे लगातार उठती रही है श्रमिकों की तरफ से, उनके हितों को लेकर ट्रेड यूनियन की तरफ से, उन मांगों पर सरकार को एक बार विचार जरूर करना चाहिए और बातचीत अगर होगी तो बातचीत से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, हल निकाला जा सकता है। फिलहाल खबर खास में आज इतना ही, नमस्कार।